इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। हेल्प्स कंट्रोल डायबिटीज। डायबिटीज जो स्पोर्ट्स खेलता है उसको डायबिटीज नहीं होती है, जो जो अपने अपनी भाषा में बोलते हैं शुगर, वो नहीं होती है, ठीक है। फिर आपका जो वेट होता है, जो बॉडी का वेट होता है उसको मैनेज करता है, ये कभी आपके वेट को बढ़ने नहीं देता है। स्पोर्ट्स होता है वो आपके जो वेट होता है बॉडी का उसको बढ़ने नहीं देता है। फिर इनहेंस ब्लड नंबर कम आए तो उसको मैनेज करने का काम कौन करता है? स्पोर्ट्स करता है। फिर जो आपकी मेंटल और फिजिकल जो हेल्थ होती है उसको इम्प्रूव करता है। आपके जो मानसिक जो आपकी क्षमता है और मानसिक जो स्वास्थ्य है और जो फिजिकल रूप से आप स्वस्थ रहो इसके लिए आप बचता है, ठीक है। तो आपको फियर और जो फेलियर है उससे कैसे डील करना है, उससे कैसे फेलियर समझ रहे हो ना, फेलियर मतलब असफलता। तो जो डर हो और असफलता को किस तरीके से आपको फेस करना है या उसको कैसे डील करना है वो आपको स्पोर्ट्स सिखाता है, ठीक है। टीम वर्क, हाँ जैसे बच्चे हैं सारे कोऑपरेशन वाले हैं, सभी ने टीम वर्क करके कल का ग्राउंड तैयार कर दिया आपने, ठीक है, तो आज तुम्हें वहां पर दौड़ने में मजा आएगा। तो ये जो है स्पोर्ट्स वो आपको टीम वर्क सिखाता है। बहुत सारे गेम होते हैं वो तो इंडिविजुअली वन प्लेयर खेलता है, उसमें टीम नहीं होती है, परंतु उसको सिखाने के लिए काफी पीछे और लंबी टीम होती है। जिस बच्चे जो भी प्लेयर होता है उसको ये कि स्पोर्ट्स आपको टाइम मैनेजमेंट भी सिखाता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। कभी कभी आप एक सेकंड से किसी और से पीछे रह जाते हो, या फिर आपको किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है कि भाई अब मेरी टीम है उसको इतने पॉइंट चाहिए और टाइम इतना है। तो पढ़ाई में भी आप जो टाइम मैनेजमेंट ही होता है एग्जाम में कि भाई मेरे को फिजिक्स के इतने क्वेश्चन करने इतने टाइम में, केमिस्ट्री के इतने करने, या भूगोल के इतने इतने टाइम में इतने करने, या छोटे क्वेश्चन। लीडरशिप स्किल, जैसे कि टीम, एक टीम होती है उसमें एक लीडर होता है जिसको अपन कप्तान बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आगे जाके अच्छे लीडर बनेंगे, तो वो जो क्वालिटी होती है लीडरशिप की वो कहाँ कैसे डेवलप होगी आपके अंदर, यहीं से डेवलप होगी, स्पोर्ट्स से डेवलप होगी। तो इसीलिए ये दो दिन का जो स्पोर्ट्स डे है वो रखे गए हैं, जिसके कारण आपके अंदर लीडरशिप की स्किल डेवलप हो, मेंटल टफनेस आपकी बढ़े, ठीक है, मेंटल स्ट्रेंथ है, फिजिकल स्ट्रेंथ है वो आपकी इंप्रूव हो, आपका स्टेमिना इंप्रूव हो, सेल्फ स्टीम आपकी इंप्रूव हो, कॉन्फिडेंस आपका इंप्रूव हो, उसके लिए। क्योंकि हर बच्चा है वो पढ़ाई में स्केल नहीं कर सकता, तो किसी न किसी को तो स्पोर्ट्स में जाना पड़ेगा। स्पोर्ट्स में भी बहुत स्कोप है, ठीक है। एक ऐसा गेम आपको आना चाहिए जो आपसे बढ़िया कोई नहीं खेले, एक ऐसा गेम आपको आना चाहिए जो आपसे बढ़िया कोई नहीं खेले, एक गेम तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो वो उस पर आप काम कर सकते हो, डेली उसी को खेलो। हर संकट का हल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है, सोने को जितना ताव लगे उतना प्रखर निखरता है, सोने को जितना ताव लगे उतना प्रखर निखरता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़कर निकलना होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। क्योंकि मैंने पिछले 2 साल से वॉलीबॉल खेलना बंद कर रखा है। जब मैं वॉलीबॉल खेलता था तब मुझे उसका महत्व पता नहीं चलता था, लेकिन आज जब 2 साल बाद मैं देखता हूं कि मेरे जीवन में कोई भी गेम नहीं है, मैं कोई भी गेम नहीं खेल रहा हूं, तो मुझे पता चलता है कि गेम खेलना कितना इंपॉर्टेंट होता है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में अभी से जब आप पढ़ रहे हो तो एक गेम में अपनी रुचि बढ़ाना शुरू करो, धीरे धीरे उस गेम को खेलो, ठीक है। सारे गेम्स खेलने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। आप अगर एक गेम अपने जीवन में धीरे धीरे खेलना शुरू करोगे, उसमें अपनी रुचि को डेवलप करोगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब आप वो गेम आपको एक तरीके से आपकी स्ट्रेंथ भी खत्म कर रहा होगा। क्योंकि जीवन में जब आप बड़े हो जाओगे
तो आपके जीवन में बहुत काम रहेगा, पूरे दिन आप काम करोगे, सुबह मॉर्निंग में जब आप खड़े हो रहे होंगे तो काम ही काम होगा, शाम तक काम होगा। तो जब आप इवनिंग में जब शाम को एक घंटा आप अगर खेलने के लिए निकालोगे तो वो एक घंटा आपकी बॉडी को भी फिट रखेगा और आपकी जो स्ट्रेस होगा पूरे दिन का वो भी आपकी बॉडी से निकाल देगा। और ऐसा लोग चाहते हैं कि वो खेले लेकिन उनको खेलना ही नहीं आता है, तो इस वजह से आधे खेल नहीं पाते। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि आप सभी को अपने जीवन में कोई ना कोई गेम जरूर खेलना चाहिए और जीवन भर खेलना चाहिए। जब तक आपकी बॉडी में ऊर्जा है तब तक आप गेम खेलोगे। वीडियो गेम से और मोबाइल के लूडो से कभी भी नहीं जोड़ के देखना है। प्लेग्राउंड में जो गेम खेले जाते हैं, वॉलीबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, फुटबॉल हो गया, खो खो हो गया, ऐसे बहुत सारे गेम है जो आप खेल सकते हो, बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, ऐसे गेम आपको अपने जीवन में खेलने जरूर चाहिए। और ये जो आप जो गेम खेल रहे हो ये भी हमारी माइंड की शार्पनेस के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि गेम खेलने के टाइम को आप वीडियो गेम खेलने में ही बिता दो। अपने घर से बाहर निकलो, दोस्तों के बीच रहो, उनके बीच गेम्स खेलो, वो उससे आपको कई गुना ज्यादा फायदा देगा जो वीडियो गेम आप घर पे बैठकर खेल रहे हो। ये 200 मीटर की रेस होगी, जितने भी 7th और 8th के जो बच्चे वहां से जाके वापस ना वहां जाओ, सभी उधर जाओ, इधर ही जाओ। बहुत शानदार रेस, इन दो गर्ल्स को Thank you.
ओ शिट First round, 1, 2, 3, 4. Bharat Mata Ki Laga Do. एक तरफ करण की टीम, एक तरफ लक्ष्यराज दशरथ जी जान लगाई है। करण की टीम विजेता रही है। भारत माता की जय। जवान और इस बार दशरथ की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। दशरथ, मनीषा, तन्वी, भारत माता की। फर्स्ट राउंड भारत माता की।
और राधे का अच्छा कोऑर्डिनेशन और अरे गुब्बारा गिरने मत देना, तुम फर्स्ट हो, आराम से, अरे गुब्बारा गिरने मत देना, आराम से गुब्बारा गिरने मत देना। मैम हो गए विनर, एक का नाम विनर, एक का उधर चिराग और विनर हम जाते हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल को शांति मिलते हैं, हम बोलते हैं के रास्ते में कोई मौसम बदल देते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो हाथ पीछे तू चल यूं ही अभी सुबह शाम रुकना झुकना नहीं तेरा का। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे चल करना है।
Oh!
Yeah,
Oh, yeah.
थोड़ा हेल्प बताना मैडम, इनको गाइड करना। थ्री बोल लो तब चल, दो बोल ना तब चल, ओके यस रेडी, वन टू थ्री गो। वेरी गुड बच्चे, ओ ये भारत माता की जय। हाँ सर, स्पोर्ट्स के बारे में क्या कहना चाहते हो? स्पोर्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। पॉइंट्स काउंट करना रे सर, 4-0 पूरा राउंड करना, अभी तक नहीं हुआ भगवत। Run, run, run! पीछे पीछे भारत माता की विशाल को Thank you.
सब बिल्डिंग की रेस में वो शुरू होने वाली है और हो गई है शुरू और राधे कृष्णा लगे हुए हैं, वीरेंद्र भी लगा हुआ है, सारी तरफ ध्यान दें मैडम, कौन पहले बना रहा है, सारे टीचर अपनी नजर घुमाए, सारे इनके कप अच्छे हैं। वीरेंद्र वंदे तो गलती नहीं थी और नहीं खुश हो जाएगा बाकी सारे बाहर आ जाओ रजे दे दे ऐसे नहीं है अपना पोजीशन बराबर देखो उस हिसाब से दे रहे हो सबको सेम रुपेश हाउ में गए एक मौका और देंगे भारत माता की अभी तक खोज खोज मिल गई हुई है भारत माता की जी जान लगा देनी है चलो हाँ कावेरी हाँ।
योगिता राणावत माता जी शुरू करेंगे दर्शक। हाँ